नमस्कार, मैं हूं अनुराधा तुरान और आप देख रहे हैं nvnews.com। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के राज में अब बीजेपी नेता ही दबंगई करने लग गए हैं। अब बीजेपी नेता की दबंगई का मामला फरीदाबाद से सामने आया है। फरीदाबाद के गांव चंदावली के मंदिर की जमीन को कुछ लोगों की ओर से कब्जा किए जाने के बाद गांव के सरपंच ने मामले की शिकायत दी है। आरोप है कि शिकायत मिलने पर जब बीडीपीओ कार्यालय में अशोक कुमार नोटिस लेकर गांव में पहुंचा तो कष्ट निवारण समिति के एक सदस्य ने उसे धमकी देते हुए समिति की मीटिंग में देख लेने की बात कही। इतना ही नहीं, मामला बीडीपीओ पूजा शर्मा के संज्ञान में आया तो बीजेपी नेता ने उन्हें भी अपनी दबंगई दिखाई है। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी और बीजेपी नेता के बीच खींचतान चल रही है। जी, ये जो ज़मीन है चंदावली गांव की, जो मंदिर का रकबा है, इसमें कुछ अवैध कब्जों के की शिकायत हमें प्राप्त हुई थी। पंचायत से हमें प्रस्ताव प्राप्त हुआ, पैमाइश रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें कुछ लोगों के पक्के मकान दर्शाए गए हैं। यह मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है, जिसमें माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं कि इसके अंदर से धारा 7 के तहत बेदखली के दावे SDM कोर्ट में डालकर इसमें इनको बेदखल कराया जाए और इनके खिलाफ जो है जो भी कार्रवाई बनती है सेक्शन 7 के तहत वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मामला एक तरह से अदालत में विचाराधीन है। पंचायत की तरफ से 7 VCL के तहत असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड की कोर्ट में जो है दावे डाले जाएंगे, तब तक इस अवैध निर्माण को रोका जाए, क्योंकि पैमाइश में ऑलरेडी पुख्ता सबूत है कि ये अवैध कब्जेधारी है। अब इस मामले में जो हमारी जो प्रक्रिया है वो जैसे रूटीन जो चलती है एज पर लॉ वो चल रहा था, तभी हमारे स्टाफ वालों को धमकी मिलने लग गई, मुझे फ़ोन पे धमकी दी जा रही है और संघ को बदनाम किया जा रहा है कि किसी RSS का कोई व्यक्ति है जो इसमें कब्जे में है। गांव चंद्रावली का नोटिस लेकर के गया था BDO ऑफिस से, नाजायज कब्जा हो रहा मंदिर के पास, तो वहाँ मैंने उसको नोटिस दिया और उससे कहे आप इस काम को बंद कर दो, मेरे पास ये नोटिस है सरकार का दिया हुआ, ये मेरे को आदेश है। तो मैंने जो है ना वहाँ नोटिस दे दिया, तो कुछ देर के बाद मैं जब नरियाले के नज़दीक पहुँच गया तो एक फ़ोन आया, कोई नहरा नहरा करके, वो ग्रेवेंस कमेटी का मेम्बर भी है और कई पद बताए उन्होंने, उसने मेरे को एक गाड़ी तो दी नहीं, बाकी इतनी यात्राएँ की हैं कि जिनका मैं उल्लेख नहीं कर सकता। बिल्कुल है, और वो हमने अपने BDO मैडम के माध्यम से उनको नोटिस पहुंचवाया, और नोटिस में जो है ना, सबसे पहले तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कब्जा कर रहे हैं ये अपने आप को जो है संघ का आदिम बता रहे हैं और संघ को बदनाम किया जा रहा है। संघ का आदमी कब्जा थोड़ी करेगा, संघ के जो आदमी हैं वो तो मंदिर में और बना रहे हैं, तो ये एक साजिश है और संघ को बदनाम किया जा रहा है। तो अपने आप को संघ का आदमी बता करके, तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, संघ का आदमी हो ही नहीं सकता जो मंदिर पर कब्जा करेगा। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।